का और मुंगेली जिले का गांव अतरिया है, जो कि लमनी केवची के बीच में पड़ता है। और ये यहाँ की आंगनबाड़ी है, ये देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र है। ये यहाँ पर बच्चे भी हैं छोटे छोटे, ये खेल रहे हैं। और ये बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ये क्षतिग्रस्त मैं इसके अंदर का ये सीन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आंगनबाड़ी का नीचे का स्थिति है और ये इसका छत है, जो कि ये बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये कभी भी यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है, बच्चों का नुकसान हो सकता है। और गांव वालों का कहना है कि इन्होंने कई बार यहाँ पर इसके बारे में शिकायत की, लेकिन कोई नहीं सुन पा रहा है इनकी शिकायत। और ये है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके आंगनबाड़ी के अंदर का एक कमरा है, जो कि किचन या कुछ और के उपयोग में लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। और ये आंगनबाड़ी का खाना बनता है यहाँ। और ये बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ये देखिए। ये यहाँ पर कुछ ग्रामीण है जिनसे हम बात करेंगे। दीदी इधर आओ। ये आंगनबाड़ी केंद्र, केंद्र क्रमांक 11 अतरिया। आपका क्या नाम है? सिटिया। पूरा नाम बताओ। सिटिया तो है, नाम है सिटिया। अच्छा, ये गांव का नाम क्या है? अतरिया। ये आंगनबाड़ी तो बहुत टूट चुकी है, इसके बारे में आपने किसी को बताया है? अब बता तो चुके हैं यहाँ का, कई बार बोल दी। किसको बोला है? वो ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज में बोला। और ग्राम पंचायत भी हुआ था तो भी हम लोग ग्राम सभा में भी बोला। और उससे तो कई जगह हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन हो नहीं पाया, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कलेक्टर के पास भी कागज भेजाया, वो भी कुछ कलेक्टर के पास भी भेजा। यहाँ के विधायक महोदय तोखन साहू जी को भी बताया, वो भी आया था, उसको भी बता चुके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो तो ये देखिए, ये यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र की इन्फॉर्मेशन है। और ये अंदर से जैसा कि मैंने बताया था, टूट ही चुका है।